नमस्कार, क्विकली दो से तीन बातें। और मैं फिर से कहता हूं, जितने लोगों को दरोगा निकालना है सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर ले। ना ही कभी हम आपके सामने कोई ऐड लगाते हैं ताकि आपको कोई डिस्टरबेंस हो, ना ही किसी भी तरीके का हम आपके सामने कोई प्रचार करते हैं। मैं फिर से कहता हूं, जो जो चीज यहां बताई जा रही है मोस्ट ऑथेंटिक चीज है कि आखिर इस एग्जाम को निकालना कैसे। सबसे पहला पॉइंट देखिए, आप बहुत लोग डिमोरलाइज हो रहे हैं कि सर मेरा नंबर नहीं आ रहा, तो उस पर हम किसी और वीडियो में बात करेंगे कल। सबसे पहला बात, जब भी आप डिमोरलाइज होगा बस इतना याद रखना, एक बार अपना आंख बंद कीजिए और अपने आप को उस यूनिफॉर्म में फील कीजिए, आप डिमोटिवेट नहीं होंगे। याद रखिएगा, एक ही लाइफ मिला है और जब जाएंगे तो हमें ये रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि हाँ ये कर लेते, हम थोड़ा और मेहनत कर लेते तो ये हो जाता, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है, डिमोरलाइज नहीं होना है, क्योंकि जिस दिन आप उस वर्दी को पहन के अपने घर पे आओगे, ठीक है, उस पल को आप सोचो, उस मोमेंट को आप सोचो कि क्या मोमेंट होगा, ये आपके सराउंडिंग में क्या मोमेंट होगा आपका, ये बस सोच के रखो, ठीक है। दूसरा, 17 दिसंबर आप कंफर्म मान लो, ठीक है, अगर नहीं होता है तभी भी आप विन विन सिचुएशन में रहोगे। 17 दिसंबर आपका कंफर्म मान के चलो आपका एग्जाम हो रहा है, ठीक है, डिमोरलाइज वाला बात नहीं लाना, 17 दिसंबर आपका कंफर्म हो गया। नेक्स्ट वन चीज जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अब देखो टाइम कम है और जितना हमसे हो सकता है हम आप क्वेश्चंस के फॉर्म में आपको स्टेटस में भी डाल देते हैं और कम्युनिटी टैब में, तो जो लिंक है व्हाट्सएप का वो हम नीचे दे देंगे। प्लीज स्टेटस के हर एक क्वेश्चंस को आप फॉलो कीजिए और उसका नोट्स बनाइए, ना ही वो किसी बुक में है और ना ही किसी आपको वीडियो में मिलेगा, वो सेल्फ प्रिपेयर्ड स्पेशल दरोगा क्वेश्चंस में डालता हूं, तो उसको आप जरूर फॉलो करें और नोट्स बनाएं। तीसरा एक चीज जो बहुत आप लोगों को ये किया जा रहा है वो है आपको अब बहुत सारे दरोगा बने हैं, 2213 में 2400 में आप सब बन गए हैं, ठीक है, सब लोगों ने अपना चैनल खोलिया और जो नहीं भी बने हैं, ठीक है, उनका भी चैनल है और बहुत सारे चैनल है। अब सब लोग बुक का आपके बारे में बता दें कि ये बुक कर लो, ये बुक लो, और आजकल चल रहा है कि सभी लोग एक ही बुक के बारे में बता रहे हैं कि ये पढ़ लो ये पढ़ो। ऐसा नहीं है कि अगर आप उस बुक को नहीं पढ़ोगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। देखिए, जब भी कोई बुक रिकमेंड किया जाता है, यूट्यूब कहता है कि आपको यह बताया जाए कि वो जो आपके सामने बुक के बारे में बता रहे हैं उनके लिए उनको पैसा मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड स्पॉन्सरशिप। इवन उनको नीचे जब भी वो स्पॉन्सर करते हैं उनको ये चीज बताना चाहिए कि मैं हमने इसके लिए पैसा लिया, इसमें कोई गलत बात नहीं है। डेफिनेटली वो यूट्यूब बना ही इसलिए है क्योंकि वो पैसा वहां से आ पाए, बट आपको ये बताना जरूरी है कि हाँ इस बुक के लिए मैंने पैसा लिया है इसीलिए मैं आपके सामने रख रहा हूं, इसको बोला जाता है स्पॉन्सरशिप वीडियो। तो बहुत लोग जो बार बार मैसेज करते हैं क्या सर मुझे वही बुक पढ़ने से मेरा निकलेगा, जी नहीं, अब एकदम डाइवर्ट मत होइएगा, ठीक है। जो बुक आपने पढ़ा है, जितना आपने पढ़ा है वो मोर देन इनफ है आपके सिलेक्शन के लिए, ठीक है, आप उसको बार बार रिवीजन कीजिए, क्योंकि जो सिलेक्शन होता है वो इजी क्वेश्चन से होता है। मैं फिर से करता हूं, इस बार भी 80% क्वेश्चन जो होगा वो इजी होगा और अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन आया तो वो सबके लिए डिफिकल्ट होगा। तो याद रखिएगा, अभी नया बुक के चक्कर में नहीं पढ़ना है, जितने लोग बोल रहे हैं उनको बोलने दीजिए, आपने जो बुक पढ़ा है बस उसको पढ़ना है, जो नोट्स है आपको उसी को पढ़ना है, जो आपके पास है उसको ही फॉलो करना है, सिलेक्शन उसी से होगा, बस करंट अफेयर्स रट जाइए स्पीडी से, बार बार उसको कर जाइए, ठीक है, 80 भी जाएगा कटअप तो आप निकाल लोगे, ठीक है। तो सिंपल बस इतना कहना है कि भटकना नहीं है, जो है आपके पास वो मोर देन है, ठीक है, इस एग्जाम को निकालने के लिए। इस एग्जाम को निकालने 8 महीना बहुत होता है और आप इजिली इस एग्जाम को निकाल सकते हो, ठीक है, तो भटकना नहीं है। 10 लोग बोलते हैं कि ये बुक पढ़ लो वो बुक लो, वो स्पॉन्सर वीडियो होता है, ठीक है, आप ये चीज समझो, ठीक है। अब सब लोग वही लाइन में लगे हैं तो उनके लिए उसको पैसा मिलता है, तो बार बार ये मैसेज नहीं करना कि सर ये बुक ले लो आपको, क्योंकि यूट्यूब का एक गाइडलाइन होता है, नीचे उनका लिखा हुआ आना चाहिए, वो फॉलो नहीं कर रहे उनका प्रॉब्लम है, आपको उससे टेंशन नहीं लेना, हमने आपको गाइड कर दिया। और मैं फिर से कहता हूं, नीचे लिंक होगा, क्वेश्चन जो भी अगर डलेगा उसको आपको नोट्स बनाना है, तो पढ़ते रहिएगा एकदम, जो जी जान सब लगा दो, ठीक है, जितना ताकत है, ठीक है, क्योंकि जब हम जाएंगे, ठीक है, तो रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि हाँ ये कर लेते तो अच्छा होता, थोड़ा और मेहनत कर लेते तो शायद ये हो जाता, तो रिग्रेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि पछतावा का जो दर्द होता है वो सबसे बड़ा होता है। जय हिंद।